बिहार में 21,391 पदों पर सिपाही बहाली के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जारी परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक 21,381 पदों पर सिपाही बहाली के लिए परीक्षा 1, 7 और 15 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर गया को छोड़कर राज्य के बाकी 7 जिलों में 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सिपाही बहाली के लिए 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया है। केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती की तरफ से जारी कैलेंडर के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने और परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ ही फोटोग्राफी कराने का निर्देश जिलों के डीएम को दे दिया है। अभ्यर्थी आज यानी 12 सितंबर से पार्षद की वेबसाइट ई पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र के जरिए ही परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल सकेगी। अगले चरण की परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों की उंगलियों के निशान व फोटो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के मुताबिक सीट मिलेगी और ओएमआर सीट पर लिखित परीक्षा होगी। पर्षद की तरफ से वेबसाइट पर सैंपल उपलब्ध करा दिए गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में 21,391 पदों पर सिपाही बहाली के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जारी परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक 21,391 पदों पर सिपाही बहाली के लिए परीक्षा 1, 7 और 15 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इसको लेकर गया को छोड़कर राज्य के बाकी 7 जिलों में 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सिपाही बहाली के लिए 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया है। तो वहीं केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती की तरफ से जारी कैलेंडर के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलाई जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर और परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ ही फोटोग्राफी कराने का निर्देश जिले के डीएम को दे दिया है। अभ्यर्थी आज यानी 12 सितंबर से परिषद की वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र के जरिए ही परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल सकेगी। अगले चरण की परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों की उंगलियां के निशान व फोटो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो वहीं अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के मुताबिक सीट मिलेगी और ओएमआर सीट पर लिखित परीक्षा होगी। पार्षद की तरफ से वेबसाइट पर सैंपल भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।